कल हमने एक वीडियो डाला था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, और हमने चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चन आप लोग के दिए थे। जो वीडियो का टाइमिंग था वो 8 से 10 मिनट था। तो कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज भी किए, कमेंट भी किए, कुछ कॉल भी किए कि सर आप ऐसा करो कि थोड़ा सा वीडियो का जो टाइम है, लेंथ है, उसको और ज़्यादा रखो, मतलब 40 मिनट, 50 मिनट। तो हमने आज सोचा मॉर्निंग में जगने के बाद कि ऐसा क्या किया जाए कि पूरे यूट्यूब में अभी तक कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, आप लोग के लिए कोई इतना मेहनत नहीं कर रहा है। हमने ये देखा है कि कुछ अलग अलग तरीके से बहुत सारे टीचर आप लोग के हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से नॉलेज मिले आपको पढ़ना है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि आप लोग के लिए ऐसा एक काम करें, भले ही हमारा उस एक वीडियो को बनाने में 3 से 4 दिन लग जाए, लेकिन आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर करने की मेरा प्लान आया। क्या है प्लान आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने सोचा कि वन शॉट वीडियो बनाएंगे। वन शॉट दो तरीका का होता है, एक तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग डाल रहे हैं वन सेट, वन शॉट चैप्टर 1 का, वन शॉट चैप्टर 2 का, 3 का, ऐसे करके बहुत सारे टीचर डाले हुए हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या सोचा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है हम वन शॉट में लाएंगे, मतलब 13 चैप्टर है ना, तो 13 चैप्टर को हम एक चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हमारे पास देखो क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये जो टारगेट बुक होता है बहुत सारे मार्केट में जो बुक आ रहा है, तो वो सब हमारे पास अभी बुक नहीं था। तो हमने सोचा कि अभी जाएंगे मार्केट, सारे बुक को खरीद करके लेकर आएंगे, मेरे पास बुक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जिस तरह से अभी एग्जाम होते आ रहा है, इन सारे चीज़ों को मिला करके एक अपना वन शॉट वीडियो बनाएंगे सारे चैप्टर का, लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर का, और उसमें सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, और वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ला दिए और ऐसे ही फालतू में हाँ इतना कर लो। बहुत सारे टीचर देख रहे हैं कि 1500 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, भाई आपके पास इतना समय नहीं है, हमें पता है, ठीक है ना। हमारा टारगेट रहेगा कि एक चैप्टर में उतना ही क्वेश्चन कराओ, बाकी सभी जगह से क्वेश्चन ला करके, और जिस तरह का प्रश्न पूछता है वैसा ही क्वेश्चन आपको हम उस वन शॉट में डालने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि फालतू का कोई भी क्वेश्चन ला देंगे, ना इजी ना कठिन, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस कंसेप्ट के तौर पे आप लोग का मेरा वन शॉट में वो वीडियो होगा। हाँ, बात रही कि आप लोग कहते हो कि सर डेली वीडियो अपलोड किया करो, भाई संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? और मान लो हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे, तो वन शॉट वीडियो में क्या होगा, वन शॉट वीडियो में मेहनत ज़्यादा लगेगा। हम दिन रात यदि डेली 4 से 5 घंटा लगातार 2 से 3 दिन समय देंगे, सारे जगह से क्वेश्चन खोज करके फिर उसका सल्व करके तब आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहे हैं और कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। आपने देखा होगा टारगेट का बुक है, या जिस तरह का टारगेट बुक आ रहा है ना, लुसेंट, टारगेट, रिहांत, क्या क्या आता है बहुत सारे, उसमें क्वेश्चन का आंसर इतना गलत दिया रहता है कि बच्चे लोग याद करके कंफ्यूजन में पड़ रहते हैं कि हम मतलब क्या करें, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही कोई भी बुक पढ़ना शुरू मत कर दो, उसको देखो कि कौन सा सही है, अब पता कैसे चलेगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होता है जाकर गूगल पर उसको सर्च कर लिया करो, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को ध्यान देना होगा। तो हमने भी सोच लिया है कि वन शॉट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, और अभी तक यूट्यूब पर शायद कोई नहीं बना रहा है, आप लोग के लिए हम हेल्प करेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो जल्दबाजी नहीं करना है, एक वीडियो आएगा आप 2 से 3 दिन में पढ़ो, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करना। और मेरा 13 से 14 वीडियो आएगा लास्ट मंथ तक, ठीक है ना, मतलब अगले जो 2 मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ 13 वीडियो आएगा। 13 के बाद एक लास्ट में एक और 14 वीडियो मानकर चलो 14 वीडियो आएगा, और 14 वीडियो में ही आपको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो आप लोग?
घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि डेली का 2-2 घंटा का सिर्फ मैथ पढ़ रहे हो। नहीं भाई, आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो फिर आपको तो सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा ना। ऐसा नहीं कि मैथ में आपने 90 कर दिया, हिंदी में आपका 0, 10, 20 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में भी अच्छा मार्क्स, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, क्योंकि लास्ट टाइम है, एक सब्जेक्ट से नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीडियो आएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, कमेंट नहीं ना करोगे सर डेली वीडियो लाओ, ऐसा कमेंट नहीं करना है। ठीक है, हमारा 3 से 4 दिन, मतलब 3 दिन गैप करके 4th दिन आप लोगों का वीडियो आएगा। तो आज कितने तारीख है, 26 है ना, तो 26 है, 27, 28, 29, 29 का मेरा वन शॉट का वीडियो शाम को 7 बजे आ रहा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अप्रॉक्स लगभग लगभग उसका जो टाइमिंग होगा, लगभग लगभग 2 से 2.5 घंटा होगा, चैप्टर 2 का आने वाला है। तो मैं आप लोग से ये कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर 2 तब तक 3 दिन में आप लोग बहुत ही अच्छे सारे फॉर्मूला को पढ़ लिया करो, सारे क्वेश्चन को बना लिया करो। जब क्वेश्चन हम लाएं और उसको सॉल्व कराएं, तो मेरे से भी पहले आप लोग सॉल्व कर लो, तो वो बहुत आप लोग के लिए बेहतर होगा, समझ रहे हो ना। तो आप ऐसा करो मेरे भाई, क्योंकि क्या मतलब अब लास्ट टाइम है। ठीक है, तो चलो ऐसे ही मतलब हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए वीडियो बनाने की कोशिश रहेगा मेरा। ये तो मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ ना कि डेली एक छोटा छोटा वीडियो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज है, ये सब वीडियो आप लोग को बना करके अपलोड किया करूँ, ताकि आप लोग को सूचना मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन मेरे से सब होता नहीं है, बट ये सब करने से भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है आप लोगों को, टाइम ही बर्बाद होता है। 5 मिनट 6 मिनट का न्यूज़ बनाएंगे, आप लोगों का टाइम बर्बाद ही होगा, ये छोड़ो, ये सोच करके हम छोड़ देते हैं। तो मेन बात है पढ़ाई करना, हम तो ये सोचते हैं कि आप जितना हो सके अब रील्स फेसबुक ये सब चीज़ों से आप लोग बचिए और अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है मेरे भाई। ठीक है, लास्ट 2 मंथ 3 मंथ मेहनत कर दो, आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो मिल लो 29 तारीख को आप लोगों से, हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट, मिलो 29 तारीख को। चलो 29 तारीख को शाम को 7 बजे आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच।